हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और ये जो सरकारी नौकरी निकल रही है वो सिंचाई विभाग से निकल रही है, यानी कि सिंचाई विभाग में चपरासी, चौकीदार, पियोन की बड़ी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यदि आप भी 8वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जो आपको सैलरी मिलेगी वो 52,000 रुपये प्रति महीना आपको इसमें सैलरी मिलेगी। तो ये फॉर्म आप जरूर अप्लाई करें क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट की बड़ी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे बेसिक जानकारी हिंदी में और इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी को दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे सिंचाई विभाग में ग्रेड चतुर्थ यानी कि फोर्थ ग्रेड के पदों पर बड़ी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ वैकेंसीज आपको मिलेगी चपरासी, क्लासी और APPO की यहाँ वैकेंसीज आपको मिलेगी, अच्छी वैकेंसीज। और फ्रेंड्स, यदि आप भी इरीगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है क्योंकि यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही निम्न रखी गई है, यानी कि 8वीं पास इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है। फ्रेंड्स, इसके साथ बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता जो आपको बताई गई है वो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया चपरासी, क्लासी और APPO के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से यदि 8वीं पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज आपको बताई जा रही है फोर्थ ग्रेड की वैकेंसीज है, ग्रुप डी की वैकेंसीज आपको मिल रही है, सभी के सभी ग्रुप डी की वैकेंसीज है, वेतन भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में अच्छा मिल रहा है। फ्रेंड्स, बात की जाए इसमें कुल सैलरी की, तो कुल सैलरी इसमें भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को लगभग 55,900 रुपये तक का जो सैलरी मिल सकता है। तो एक अच्छी सैलरी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया का जो पी बैंड होने वाला है वो देख सकते हो, यहाँ पी भी आप देख सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको बताया कि 12,000 से लेकर 52,000 रुपये प्रति महीना आपको इसमें मिलेगा। बात की जाए ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे भी आपको 3900 मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो सबसे अच्छा यहाँ ग्रेड पे आपको दिखाया गया 3,900 रुपये आपको इसमें ग्रेड पे मिल रहा है। इसके साथ 12,000 रुपये आपको इसमें वैसे बेसिक सैलरी मिल रही है। इसके साथ आपकी जो अन्य स्वीकृत भत्ते हैं यहाँ देख सकते हो, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जो भत्ते हैं वो भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेंगे। तो प्रारंभिक वेतन भी आपका इस भर्ती प्रक्रिया में अच्छा रहने वाला है यदि आप इसमें आप ज्वाइनिंग प्राप्त करते हो, क्योंकि एक बड़ा मौका सिंचाई विभाग के काफ़ी समय से स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे और फाइनली ये वैकेंसी आ गई है। अब बात की जाए आयु सीमा की, तो आयु सीमा 1 जनवरी 2021 से इसमें आयु की गणना की जा रही है और 18 से कम और अधिकतम आपकी उम्र 40 वर्ष के बीच है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बात की जाए ओबीसी, यहाँ ओबीसी उम्मीदवार और इसके साथ ओबीसी को 3 साल की ही छूट है और एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ 5 साल की छूट इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है, तो उम्र सीमा में भी छूट मिल रही है। अच्छा आपके पास मौका है, ये फॉर्म आप जरूर अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना होगा वो कंप्लीट जानकारी हम आपको बताएंगे, क्या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके साथ फ्रेंड्स, इसके बाद आपको बताया गया कि चयन कैसे होगा, यानी कि ग्रेड फोर्थ के चपरासी, खलासी और APPO पदों के पर लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो के आधार पर आपका इसमें चयन होगा, यानी कि आपका पहले इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो किए जाएंगे। सबसे पहले लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जिसके अनुसार उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उनके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी, यानी कि बाद आपकी मेरिट जारी की जाएगी। जैसे कि बात की जाए यहाँ 1,00,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, इसके बाद जो लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उनको बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है आपकी यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सही पाया जाता है और मेरिट क्वालिफाई कर रहा है तो ऐसे कैंडिडेट जो है सिंचाई विभाग यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है जो है स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, इरिगेशन डिपार्टमेंट की यानी कि सिंचाई विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड फोर्थ की यहाँ वैकेंसीज आपको मिल रही है। इंटरेस्ट कैंडिडेट में अप्लाई द पोस्ट ऑफ इन द पोर्टल, यदि आप इंटरेस्ट इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रुचि रखते हैं इस जॉब के लिए, तो आप यहाँ क्लिक करके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ है। इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले आपको जो इसमें बताया गया है कि फोर्थ ग्रेड की वैकेंसीज है, कौन कौन सी वैकेंसीज आपको मिल रही है वो डिटेल्स आपको यहाँ बताई गई है। फ्रेंड्स, इसके साथ आपको फिर ये बताई गई आपको इसमें सैलरी क्या मिलेगी, तो सैलरी फ्रेंड्स आपको यहाँ बताई गई 12,000 से लेकर 52,000 रुपये प्रति महीना। बात की जाए ग्रेड पे की, तो 3900 रुपये आपको इसमें ग्रेड में मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ फिर आपको टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज की यदि हम बात करें तो 124 वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है, 124 वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। प्रत्येक जिले की अलग अलग वैकेंसीज मिल रही है। बात की जाए अभी
हम बात कर रहे हैं जिस जिले की, तो यहाँ टोटल वैकेंसी जो आपको मिल रही है 10 वैकेंसीज मिल रही है, काफ़ी सारे जिलों में 22 वैकेंसीज मिल रही है, 28 वैकेंसीज मिल रही है, यानी कि अलग अलग जिलों की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 124 के समथिंग वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके साथ फ्रेंड्स यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ काफ़ी सारे रूल्स जो है आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए बताए गए हैं। तो आपको करना क्या है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स ऑफिशियल वेबसाइट है www.nyukti.assam.government.in पे जाके जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी यहाँ 3 मार्च 2021। यदि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ रूल्स जो है आपको बताए गए हैं कि यदि आपने असम बोर्ड से 8वीं पास कर रखी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स असम के जो सिटीजन है वही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अन्य कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वैकेंसीज यूपी में निकलने वाली सिंचाई विभाग में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्द नोटिफिकेशन जो है आने वाला है।